नौकरी छोड़ शुरू किया अनूठी पद्धति से किसानी का काम। कोविड 19 महामारी के चलते भी बिजनेस का टर्नओवर किया 4 करोड़। आज की ये कहानी खेती किसानी को घाटे का सौदा समझने वाले लोगों के लिए है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गुलाम मोहम्मद की सफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बदलते समय में जिस तरह हर एक चीज को समझने, देखने और उसे आधुनिक बनाने का चलन है, उसी कड़ी में आज खेती को नवीनतम तकनीकों से लैस किया जा रहा है। कुछ कर गुजरने की चाहत, जुनून के साथ निरंतरता और कड़ी मेहनत करने का हौसला हो तो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। इसी जज्बे को अपने जीवन में उतार कर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से ताल्लुक रखने वाले गुलाम मोहम्मद ने साबित कर दिखाया है। 54 साल की उम्र में आज वो न केवल राज्य के सबसे प्रसिद्ध किसानों में से एक है, बल्कि उनका सालाना टर्नओवर 4 करोड़ के पार है। गुलाम मोहम्मद के जीवन और व्यवसाय से जुड़े पहलू। आर्थिक तंगी के कारण 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ पुश्तैनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने घर पर गेहूं, चावल, आलू, टमाटर और अन्य सब्जियां उगाई। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। एक इंटरव्यू में गुलाम जी ने बताया कि उस दौर में हमारे पास खाना खरीदने के लिए 2 रुपए भी नहीं होते थे और हम खेत से जो कुछ भी उगाते उसे खाकर जीवन यापन करते थे और हम एक मिट्टी के घर में रहते थे। शिक्षा मेरी प्राथमिकता नहीं थी। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी, इसलिए मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। साल 1985 तक गुलाम मोहम्मद 18 साल के हो चुके थे। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नगर पंचायत में एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 11.50 रुपए रोजाना मिलते थे। क्लर्क की नौकरी को उन्होंने 21 साल की उम्र तक किया। वो अपने मासिक वेतन से संतुष्ट नहीं थे। अभी भी उनके दिल में खेती किसानी की ललक थी और उन्होंने नौकरी के साथ साथ खेती में प्रयोग करने शुरू कर दिए। गुलाम मोहम्मद का टारगेट था कि कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएं जिससे अधिक पैसा बन सके। कुछ कुछ प्रयोग के बाद उन्हें लगा कि अब नौकरी को छोड़कर पूरी तरह से खेती किसानी करने का समय आ गया है और फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। गुलाम मोहम्मद की मेहनत और किसानी के लिए दीवानगी रंग लाई और साल 2000 में केले की फसल में उन्होंने 5,500 का निवेश किया और एक साल में 40,000 रुपए का लाभ हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान केले की खेती पर लगाया और अपनी सारी जमीन और कुछ पट्टे वाले खेतों का उपयोग करके 24 एकड़ से अधिक खेत में फल उगाना शुरू किया। 2020 में जब दुनिया कोविड 19 महामारी के प्रभाव में थी, गुलाम तब भी 85 लाख रुपए कमाने में कामयाब रहे। केले के अलावा इनके पास एक पोल्ट्री फार्म भी है। साथ ही वो 1 एकड़ जमीन में कश्मीरी सेब की खेती करते हैं। इसके अलावा वो आलू, तरबूज और कुछ अन्य फसलों की भी खेती करते हैं। एक इंटरव्यू में गुलाम मोहम्मद ने बताया कि आज के समय में टर्नओवर खेतों और व्यवसायों को मिलाकर 4 करोड़ के पार है। जब केले की खेती सफल रही तो इसने मुझे नए नए प्रयोग करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिल की सुनी। आज गुलाम मोहम्मद अपने राज्य में एक प्रतिष्ठित किसान बन गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ कृषि संस्थानों द्वारा प्रगतिशील खेती के लिए ASM उद्यान रत्न पुरस्कार और कई अन्य प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं। गुलाम का मानना है कि खेती के लिए उनका प्यार उनकी सफलता का कारण है। कामयाबी के मंत्र को साझा करते हुए वो कहते हैं, आप पेशेवर रूप से जो कर रहे हैं उसके लिए आपको पूर्णता समर्पित होना चाहिए। एक दिन सफलता अवश्य दस्तक देगी। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।